Sim. See this diagram. और बड़ा करें इसको, शायद आप ही लोग के लिए बनाया है। ओके दिख रहा है ये? यस सर, यस सर। फाइन, देखिए क्या है कि आप जब लैब में होते तो आपको एक डायोड दे दिया जाता, एक रजिस्टर लगा दिया जाता, एक वेरिएबल आपको या तो पावर सोर्स होता जो वेरिएबल होता है, या वेरिएबल पावर सोर्स नहीं है इसमें मेरे पास, तो मैंने एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, मतलब पावर वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। पॉइंट क्या है, ये डायोड है आपका 0.6 या 0.7 वोल्ट जब आएगा, ठीक है ना, तो उसके जिसमें से करंट फ्लो होगा, ये वोल्टेज आपको, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ 0.7 वोल्ट दिखा रहा है आपको, यहां आपको करंट दिखा रहा है। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं, आप देखेंगे करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे कि पोटेंशियल, ये मतलब जो वैल्यू चूज किया है 0.69 पर है, ठीक है, सबसे कम जो वैल्यू मिला 0.69। अगर और यहाँ 4.31 है, जैसे जैसे मैं ये रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, मतलब कि, तो आप देखेंगे कि घटाऊंगा, ऐड करूंगा, तो ये जो आपका है करंट जो है वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये आपका, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को, एक और भी मैं दिखा दूंगा सिमुलेशन आपको, सो प्लॉट करेंगे तो हम देख पाएंगे, देख रहे हैं कितना वैल्यू चेंज किया, 4.31 एम्पीयर था, 0.69 है, और मैं अगर ये पूरा रेजिस्टेंस इसमें ऐड कर रहा हूं तब ये 0.7 तक पहुंच रहा है आपको, ठीक है, और करंट 4.31 से 4.78 जा रहा है 0.7 के लिए, दैट्स इट। अगर मैं, हाँ मुझे क्या बताना था, मान लीजिए ये बैटरी मैं ले लूं 0.0 वोल्ट के लिए, नहीं लेगा वैल्यू 0.01 ले लेता हूं, मैंने कहा ना 0.7 पोटेंशियल बेरियर है, 0.7 जब तक इसके अक्रॉस नहीं क्रॉस होगा करंट नहीं आएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको, आप देखो कि मैंने 0.1 वोल्ट की बैटरी लगाई है, करंट कितना आ रहा है 0.0 एम्पियर, यहां 0.1 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। पोटेंशियल बेरियर कितना है, पोटेंशियल बेरियर होता है यानी अपोजिशन जो वोल्टेज का है, जो मैंने आपको दिखाया था कि कितना अपोजिशन होगा डायोड का, 0.7 यहां देखिए लिखा था मैंने 0.7, ये देखिए, तो जब तक ये बैटरी मेरी 0.7 से ज्यादा नहीं होगी वैल्यू, तब तक यहां करंट फ्लो नहीं करेगा, इसी चीज को यहां जो है वो प्रदर्शित किया जा रहा है इस जगह, ठीक है। 0.1 की मैंने बैटरी अगर लगाई है सप्लाई वोल्टेज, तो करंट मुझे जीरो मिल रहा है। अब मैं इसको स्टॉप करके अगर इसको बढ़ाऊं 0.2 कर दूं, इसको मैं 0.2 कर दूं, अभी भी क्या देख रहे हैं आप, वोल्टेज 0.2 हो गया डायोड के अक्रॉस, लेकिन 0.7 का पोटेंशियल अपोजिशन आ रहा है, वोल्टेज अपोजिशन है, तो करंट फ्लो नहीं किया। उसके बाद 0.3 कर दूं, 0.3 कर दूं, अगेन 0 एम्पियर है, इसके अक्रॉस 0.3 का वोल्टेज मिल रहा है, बैटरी ओवरकम नहीं कर रहा है पोटेंशियल को। ऐसे करके 0.5 ला दूं, 0.5 आएगा, करंट जीरो है 0.5 पे। अमूमन जो डायोड था 0.6 से लेके 0.7 में करंट फ्लो कराना शुरू कर देता है। तो अब मैं इसको अगर 0.59 कहता, या मान लीजिए 0.6 कहता, 5.1, 5.2, जब हम लैब में जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे 5.1, 5.2, 5.3, आप देख रहे हैं 0.59 पे थोड़ा सा करंट आना शुरू हुआ है, 0.02 पहले यहाँ पे, प्लीज जाइएगा नहीं कहीं छोड़ करके, बिल्कुल फाइनल क्लाइमेक्स चल रहा है ना, पिक्चर सुपर हिट हो जाएगा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी बात कि कितना ड्रास्टिकली करंट चेंज होता है। 0.02 मिली एम्पियर करंट है, बहुत कम है, 0.5 वोल्ट पर है ना, बैटरी अप्लाई कर रहा हूँ 0.59, जब मैं इसको 0.6 करूंगा, 0.6 करूंगा, ठीक है, जैसे ही 0.6 करूंगा आप देखोगे 0.57 यहाँ ड्रॉप है, या 0.03 है। अब मैं 0., आप जब कॉलेज में होते ना, तो 0.6 से 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65 ऐसे करके हम स्लोली स्लोली बढ़ाते हैं, आप देखेंगे 0.07 करंट है, 0.59 का ड्रॉप है 0.65 पे। अब अगर मैं इसको 0.7 करूंगा, 0.7 करूंगा, ठीक है,
यहाँ आप देख रहे हैं 0.11 एम्पियर है। सो अब मैं 0.7 तक आपने देख लिया कि करंट बहुत कम है, मान लीजिए कि मुझे, मैं कहा यार टीचर बहुत बोरिंग काम कर रहा है, सीधा 1.0 पे दिखाओ ना सर एक बार, तो चलो सर देखो आप 0.1.0 पे आप देखोगे 0.41 एम्पियर का मिली एम्पियर करंट हो गया, और यहाँ 0.63 का ड्रॉप है। अब 1 के बाद सीधा हम 2 वोल्ट पे चलते हैं, इसको हम 2 वोल्ट करके देखते हैं, जल्दी जल्दी टाइम पढ़ने का मन मुझे भी नहीं होता है, बस मजबूरी वाला काम हो जाता है। तो अब देखिए करंट कैसे चेंज हो रहा है, आप इसको नोट डाउन करिएगा, ग्राफ प्लॉट करिएगा, मजेदार ग्राफ आएगा जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अभी ध्यान रखिएगा 1.48 है 2 वोल्ट बैटरी पे, जब मैं इसको बैटरी को 3 वोल्ट करूंगा तो ध्यान रखिएगा कितना चेंज होता है करंट, देखते हैं जरा एक बार। सो मैं इसको कर रहा हूँ अब 3.0, और 1 पहले 48 था, तो 3.0 करते देखिए 1.48 से 2.58 आ गया, इधर ज्यादा ड्रॉप नहीं है 0.69 है। अब मैं इसको जो हूँ 5 वोल्ट लेके जाता हूँ 5.0, देखिए कितना फास्ट हुआ, 4.0 पे आपको 2. समथिंग था, 5.0 पे आपको 4.78 है। तो अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा, ये तो कंप्यूटर का डायोड है तो ये कभी बर्न नहीं होगा, बट आप देखोगे करंट देखो कितना तेज हो रहा है ना, करंट कितना तेज हो रहा है, ये ड्रॉप आपका 0.7 के आसपास रहेगा। सो इस वे में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको वैसा ही ग्राफ आएगा, शार्प राइज, एक्सपोनेंशियल राइज का ग्राफ आपको मिलेगा, बहुत तेजी से करंट बढ़ेगा। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो ग्राफ होगा इतनी तेज से बढ़ेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, इसलिए वी डू इट स्लोली स्लोली, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स।